जब आपका मन दिवाली के फराल के लिए अलग अलग डो बनाने का ना हो तो सिर्फ एक डो से ढेरों दिवाली के फराल बनाइए। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप अपने घर में भी आसानी से बना सकते हैं। क्रिस्पी, क्रंची और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक बाउल में 3 कप चावल का आटा ले लेंगे और 1 कप ले लेंगे मैदा और 1/4 कप ले लेंगे बेसन और फिर 2 टेबलस्पून हम डाल देंगे उसमें तिल्ली और 1/4 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी और 1 टीस्पून मिर्ची डाल रही हूँ। मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार ज़्यादा भी डाल सकते हैं और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। अब हम इसमें हींग डालेंगे जो कि इसमें प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा और फिर गरम ऑयल डालना है। गरम ऑयल मैं 1/2 कप के करीब करीब डाल रही हूँ क्योंकि उतना लगता ही है जिससे कि हमारे जो फराल है अच्छे से क्रंची और क्रिस्पी बनेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर ले, पहले तो स्पून से ही मिक्स करें क्योंकि गर्म ऑयल रहता है। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, हम इसे अच्छे से हाथ से गूंद लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जो ऑयल डाला है और जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है आटे में। बहुत अच्छे से मिक्स कर ले और देखिए इस तरह से लड्डू बनना चाहिए, और लड्डू अगर नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा ऑयल और डाल दे। अब हमें क्या करना है, इसमें गर्म पानी डाल देना है। जैसे कि हमने इसमें चावल का आटा डाला था तो चावल के आटे में क्या करते हैं, हमेशा बाइंडिंग के लिए हमें गर्म पानी ही डालना पड़ता है। ठंडे पानी डालेंगे तो बाइंडिंग बराबर नहीं आती है, इसलिए इसमें गर्म पानी ही डालें और अच्छे से इसका एक आटा डो बना ले, आटे का अच्छे से डो बना ले। ऐसा स्मूथ डो बन जाता है तो इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख दें। अब हमें क्या करना है कि जो अपना जो चकली और शेव वगैरह का जो साँचा रहता है वो लेना है, और देखिए इतने सारे जो साँचे हैं इसमें से हमें कोई भी ब्लेड लेके हम इस तरह से हम कोई भी आइटम बना सकते हैं, जैसे कि चकली है, ये इस तरह से पपड़ी है, मुरकू है, वो कुछ भी हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये रिबन जो है रिबन पकौड़ा बना लेंगे, तो उसके लिए इसमें चकली में लगा ले और ये जो डो हमारा जो 15 मिनट के लिए हमने जो रेस्ट करने के लिए रखा था ये भी रेडी हो गया है। तो इसमें निकाल लेंगे और इसमें डाल देंगे जो अपना जो साँचा है उसमें डाल देंगे और हम फिर अपने रिबन पकौड़ा बना लेंगे। इसमें डाल दें बहुत अच्छे से, ये आसानी से चला भी जाता है और एक्स्ट्रा का जो मटेरियल है वो निकाल लूँगी मैं और इसे बंद कर दें। इस तरह से बंद कर देना है और इस तरह से हमें कोई भी हम इसमें से कर सकते हैं। तो हम अब रिबन पकौड़ा निकालते हैं। इस तरह से आप कोई भी साइज़ का कोई भी शेप का रिबन पकौड़ा स्ट्रेट भी निकाल सकते हैं, इस तरह से आड़ा टेढ़ा शेप करके भी निकाल सकते हैं। इस तरह से फिर इसे तल ले आराम से, सीम पे आराम से तले, ये हो गया। फिर अब हम ये देखिए ट्रायंगुलर मुरकू निकाल लेते हैं। इस तरह से सेम प्रोसेस है, कोई भी शेप का आप निकाल सकते हैं। ये देखिए ट्रायंगुलर मुरकू भी हमारा रेडी हो गया है और अब हम शेव निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से शेव भी निकाल लें। बहुत ही बढ़िया है कि नहीं, बहुत आसान है निकालना और अलग अलग शेप में आपको ढेर सारे फराल मिल जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि क्या किया है हमने, एक ही डो से इतने सारे फराल बनाए हैं। और ये देखिए चकली भी तलने के लिए हमारी रेडी हो गई है। इस तरह से चकली तल ले, आपको एक डो में बहुत सारी वेराइटी मिल जाती है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक थोड़ा सा छोटा सा डो ले लिया मैंने और इसकी हम बनाएंगे मठरी और इसे थोड़ा सा फोक से फिर हम डॉट 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 कर लेंगे ताकि हमारी मठरी अच्छे से बने और वो फूले नहीं, पूरी नहीं बनाना है हमें, मठरी बनाना है। तो फिर फोक से इस तरह से डॉट डॉट बना ले और इस तरह से मटरी तल ले, मटरी भी रेडी हो जाएंगी हमारी, जैसे बाकी के फराल भी रेडी हो गए ये भी रेडी हो गई। तो इस तरह से आप आसानी से दिवाली के फराल एक डो से आसानी से अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बना सकते हैं। और इस तरह से मैं अभी शक्करपारे भी बना रही हूँ, लेकिन ये हमारे खारे वाले शक्करपारे होंगे, मीठे वाले शक्करपारे नहीं होंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा काजू कतली के जैसे शेप देने की कोशिश की है, बहुत ही सुंदर शेप लगता है इसमें। ये देखिए अब इसे भी हम तल लेंगे तो हमारे शक्करपारे भी रेडी हो गए। शक्करपारे ने खारे पारे ऐसा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इस तरह से तल ले, आसानी से तले, आराम से सिम पे तलना चाहिए। जो भी दिवाली के आइटम है वो हमेशा सिम पे ही तलना चाहिए क्योंकि हमें बहुत दिन तक उसे प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। ये देखिए कितने क्रिस्पी है, क्रंची दिख रहा है, इसका क्रंचीनेस अपने को दिख ही रहा है। तो फिर खाइए, खिलाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।